आज हम जाएंगे एशियंट लैंड। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है। वैसे हाईवे पर ट्रैफिक बहुत बुरा था ना, पर अब तो पहुंच गए। एक बात तो है, टोल टैक्स बहुत ज्यादा था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है मैं वो सारे पैसे यहाँ पर वसूल लूंगी। अरे ये शिनचैन कहाँ चला गया? मॉम डैड इधर आइए, मुझे भी नए कपड़े लेने हैं। अरे वाह, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। वाओ। हाँ मैं कौन सा लूं? इतना महंगा? मैं तो ये वाला पहनूंगा, बताओ कैसा है? बोलो। 5,000? ये महंगा है। आप गरीब समुराई के कपड़े पहन लीजिए, ये आप पर जचता है। लेकिन क्यों? वाह डैड, आप ही अच्छा लग रहा है। सच में बेटा? और मैं लूंगी मैं तो प्रिंसेस के कपड़े पहनूंगी। ये अच्छी बात नहीं है मित्सी, तुम एक प्रिंसेस क्यों बनोगी जबकि मैं गरीब समुराई बनूंगा। शिकायत मत कीजिए डैड, ये आप भी बहुत अच्छी लग रही है। तुम कहते हो तो ऐसा ही सही। मैं एक प्रिंसेस हूँ जो बहुत नाजों से पली है, बहुत नाजों से। ओहो, क्या आप जंगल प्रिंसेस हैं? मुझे आज भी याद है, मुझे कभी महल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। मैम, मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो रही हैं। हाँ, लेकिन ये सच्चाई है। ये वाला ले लो, वो बहुत महंगा है मिच्ची। प्रिंसेस दुश्मनों से अपनी पहचान छुपाकर बाहर घूमती थी, एक आम लड़की की तरह। तो तुमने सोच ही लिया है कि तुम प्रिंसेस बनोगी? मैं हूँ सबसे बेहतरीन समुराई। और मैं हूँ प्रिंसेस मित्सी, जो एक आम लड़की की तरह रह रही है ताकि वो आजादी से घूम सके। हम दोनों ही बिल्कुल रॉयल लग रहे हैं, है ना? वाव, ये तो बहुत ही बढ़िया है। चलो सिटी के और अंदर चलते हैं और फोटोज खींचते हैं। हाँ हाँ, चलिए चलते हैं। आप दोनों मुझे भूल ही गए, मुझे भी एक बढ़िया सा नाम चाहिए। अरे हाँ, इसका नाम क्या हो सकता है? हम इसे कह सकते हैं मददगार शिनचैन। कैसा रहेगा बोलो? ये तो बहुत ही बढ़िया है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे आपकी मदद करने में ये समुराई पसंद आएगा। तुम हमेशा ऐसे गड़बड़ क्यों करते रहते हो? इसने ये जानबूझकर नहीं किया। इस भाग दौड़ में मुझे भूख लगाई, चलिए कुछ खाते हैं। अरे तुम ठीक तो हो ना शिनचैन बेटा? चोट की वजह से ये फिट नहीं हो रही। आपका स्वागत है। तीन लोगों के लिए टेबल प्लीज। मैं हूँ वीर शिनचैन, मैं 5 साल का हूँ। वाओ, बहुत टेस्टी है। मैंने इतनी लड़ाकू प्रिंसेस कभी नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। ओके, मैं अभी वापस आती हूँ। अरे आंटी, हमें जूस चाहिए, जरा जल्दी करेंगी। आंटी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? सुनो अंकल, मेरी मॉम जंगल लैंड की प्रिंसेस है, उन्होंने मामूली कपड़े पहन रखे हैं और बेशक देखने में वो प्रिंसेस नहीं लगती है, पर यही सच है। निंजा कासल, ठीक है चलो अंदर चलते हैं। पहचाना ही कौन है? डैड, क्या ये चोर है? ये एक निंजा है। निंजा कासल में आप सबका स्वागत है। ये अंकल बहुत फनी है, मुझे ये जगह पसंद है। माफ करना, ये लड़का बहुत ही ज्यादा। इधर आओ तुम। इस जगह के अंदर आना आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको इस जगह से बाहर निकलकर सुंदर स्वर्ग में जाना है तो आपको वहाँ जाने की लॉबी ढूंढनी होगी। इन्होंने क्या कहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। निंजा का मतलब फॉरेनर होता है। हमें माफ कीजिएगा। ठीक है तो अब मैं चलता हूँ। अरे निंजा अंकल गायब हो गए। अब उस बच्चे को मैं मजा चखाऊंगा। निंजा अंकल को ढूंढ निकाला, मैंने आपको ढूंढ निकाला, अब आपको मुझे 1,00,000 रुपए देने होंगे।
यहाँ खड़े मत रहो, जल्दी से आगे जाओ। अभी जाते हैं। ये कमरा ठीक लगता है। सही कहा, वैसे ये आखिरी कमरा है। अच्छा कमरा है ना, इसका रेंट क्या होगा? तुम चुप रहो शिनचैन। इस कमरे में बहुत सारे ट्रिक्स और ट्रैप्स हैं। सचमुच डैड, कैसे स्टिकर्स और ट्रैप्स? मुझे सरप्राइज गिफ्ट्स बहुत पसंद हैं, खास करके जो अचानक मिले। तुम बस गिफ्ट के बारे में सोचते रहते हो। पर तुम्हें मिलते कभी नहीं। शिनचैन अलमारी खोलो और देखो अंदर क्या है बेटा। क्या मैं मैट्रेस बिछा दूँ? पर अभी तो दोपहर ही है, आपको मेरे आराम का कितना ख्याल है डैड? क्यों नहीं होगा बेटा। शिनचैन, मुझे लग रहा है जो लॉबी हम ढूंढ रहे हैं वो यहीं कहीं छिपी हुई है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं। तुम लोग उस तरफ ढूंढो, मैं मैट्रेसेस के पीछे देखता हूँ। ओके डैड। ओके। हम्म।